तो फ्रेंड्स आज की इस मज़ेदार सी मसालेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है थ्री बनाना जो कि वजन में है वेट में है हाफ के जी आपको एकदम रॉ बनाना लेना है कच्चा केला लेना है यहाँ पे और इसे कुछ इस तरह से नाइफ की हेल्प से आपको पील कर लेना है फ्रेंड्स जो आज की सब्जी बनने वाली है वो बहुत ही लाजवाब बनेगी बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बनेगी ग्रेवी वाली बनाने वाले हैं आज हम जो बना रहे हैं बनाना की रेसिपी आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स और पसंद आएगी तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स तो इस तरह से हमने बनाना को नाइफ़ की हेल्प से छील लेना है तो अब हमने इसे छील लिया फ्रेंड्स अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे तो हमने इसमें जो टुकड़े किए हैं ये हाफ हाफ इंच के टुकड़े किए हैं बहुत ज़्यादा आपको पतला नहीं रखना बहुत ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना है तो हाफ़ हाफ इंच के आपको टुकड़े काट लेने हैं बनाना के इसी तरह हम बाकी भी सारे जो केले हैं और इसी तरह हमने आधा इंच के टुकड़ों में सारे बनाना उसको काट लिया फ्रेंड्स तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे फ्राई करना और इसको फ्राई करने के लिए हमने रखना है कढ़ाई में तेल तो यहाँ पे हमने दो बड़े चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है फ्रेंड्स और जैसे ही हमारा ऑयल गरम हो जाएगा उसमें हम डाल देंगे अपने बनानास के पीसेस केयरफुली डालिएगा आपके हाथ पर इसके छीटे ना आए गरम तेल के तो आराम से डालिए और इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है फ्रेंड्स फ्राई कर लेना है तो अलटते पलटते हुए हमें इसे एक अच्छा कलर आने तक भूनना है फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने सारे बनानास डाल दिए हैं इनके टुकड़े और इसे अलटते पलटते हुए हमें बढ़िया से भून लेना है जब तक कि हमारे कलर ना आ जाए बनानास में गोल्डन सा एक सोंधापन आ जाएगा हमारे जब बनानास के टुकड़ों में तब तक हमें इसे फ्राई करना है फ्रेंड्स तो कंटिन्यू चलाते हुए आप इसे फ्राई करें वरना केले जो है आपके चिपक भी सकते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे हमने दो बड़े तेल का यूज किया था दो बड़े चम्मच तेल का यूज किया था और उतने में हमारे बनानास अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे और हमारा ऑयल है जो बच भी जाएगा आगे सब्जी के लिए तो इसे आपको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है फ्रेंड्स और यहाँ पे देखिए हमारे जो बनाना के टुकड़े हैं सारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं इनमें अच्छा सा गोल्डन सी एक लेयर आ गई है बहुत ही अच्छा सोंधापन सा स्वाद आ गया है हमारे केले के टुकड़ों में तो अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट पर तो सारे टुकड़ों को हम प्लेट पर निकाल लेंगे फ्रेंड्स उसके बाद भी देखिए कढ़ाई में हमारा ऑयल बच गया है दो चम्मच डाला था हमने तो एक चम्मच ही ऑयल यूज हुआ है यहाँ पे हमने दो टमाटर सात से आठ लहसुन और एक इंच अदरक का टुकड़ा छील कर लिया है फ्रेंड्स तो वापस से उस कढ़ाई में हम और तेल डालेंगे तो दो चम्मच मैंने और ऑयल डाला है फ्रेंड्स एक चम्मच इसमें पहले से ही बचा हुआ था फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे राई राई हमने डाल दिया आधा चम्मच जीरा हमने डाल दिया आधा चम्मच तड़काने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ी बारीक कटी हुई प्याज जिसे मैंने चॉपर में काट लिया आप चाहे तो नाइफ से भी फाइन काट सकते हैं फ्रेंड्स और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है कलर चेंज होने तक तो फटाफट फट से हमारी ये जो प्याज है ये भून के तैयार हो गई है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है हमारी प्याज में तो जो अब हमने टमाटर लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा था उसको भी डालेंगे अभी हम उसके पहले हम डाल देंगे कुछ सूखे बना मसाले तो फ्लेम को लो कर लेना है हरी सॉरी हमने लाल मिर्च डाली है हल्दी डाली है और दो चम्मच हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर फ्रेंड्स तो सूखे मसाले जब आप भूनें तो फ्लेम को लो रखें आपके मसाले जो हैं जो जले ना फ्रेंड्स इसलिए लो फ्लेम पर हमें आधा मिनट सिर्फ आधा मिनट आपको भून लेना है जिससे कि आपकी सब्जी में एक बहुत अच्छा और स्वाद आएगा आपके मसाले यहाँ पे आधा मिनट में भून गए फ्रेंड्स फ्लेम को लो रखिएगा मसाले जलने नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो अब हमने जो टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा था उसे अब इतने इसमें इस रेसिपी में डाल देना है फ्रेंड्स इसके बाद पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे उसके बाद हमें मसाले को भून लेना है तो अब टमाटर जो है हमारा ऑयल छोड़ने तक हम इसे पकाएंगे मसाले को तो चलिए फिर इसे ढक देते हैं दो मिनट के लिए तो लिट से कवर कर दे फ्रेंड्स दो मिनट के लिए दो मिनट बाद हम इसे खोल कर देखेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे दो मिनट हो चुके हैं हमारे तो चलिए फिर इसे ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे ओपन करने के बाद देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला अच्छी तरह से भून कर तैयार हो गया दो मिनट में और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है हमारे मसालों में यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मसाला जो है कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है इसका मतलब है कि आपके मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं तो अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा गिलास पानी भर के मैंने जो जार में पीसा था उसी जार में मैंने पानी भी ले लिया ताकि जो उसमें चिपको या मसाले हैं वो भी निकल जाए फ्रेंड्स तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं आपको कितना ग्रेवी पतला या थिक रखना है यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नमक तो हमने सबसे लास्ट में नमक स्वादानुसार डाला है फ्रेंड्स तो यहाँ पे पानी डालने के बाद ग्रेवी के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे लिड लगा कर एक मिनट के लिए पकाएंगे फ्रेंड्स ताकि हमारी ग्रेवी है जो अच्छी तरह से उबलने लग जाए तो हाई फ्लेम कर दीजिए और इसे लिड, लिड से कवर कर दीजिए एक मिनट के लिए फ्रेंड्स और एक मिनट बाद जब हमारी जो ग्रेवी है उबलने लग जाएगी तो इसे हम खोल लेंगे फ्रेंड्स और अब हम इसमें डाल देंगे केले के फ्राई किए हुए पीसेस तो इसमें हमने सारे पीसेस को डाल देना है फ्रेंड्स और एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो अभी आपको इसकी ग्रेवी पतली लग रही होगी फ्रेंड्स बट ये जो ग्रेवी है इसकी बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है तो आप शुरुआत में थोड़ी सी पतली जो ग्रेवी है रख सकते हैं क्योंकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी थिक हो जाती है तो इसे ढक कर हमें तीन मिनट के लिए पकाना है मीडियम फ्लेम पर तीन मिनट के लिए तो तीन मिनट में जब हमारे जो केले हैं वो ग्रेवी में अच्छी तरह से रच बस जाएंगे उसमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद आ जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए आफ्टर तीन मिनट हमने केलों को अच्छी तरह से चम्मच चला देना है और यहाँ पे हमारी जो सब्जी है बन के तैयार हो गई है फ्रेंड्स तो अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया पत्ता क्योंकि हमारी सब्जी बन गई है खाने के लिए आप इसे चपाती पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स तो इसी स्टेज पे हमने सब्जी को ऑफ कर देना है क्योंकि ये अभी थोड़ी देर बाद थिक भी होगी तो इतना ही ग्रेवी आपको लग रहा है बट ये बाद में थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है फ्रेंड्स तो बन के तैयार है हमारी स्वादिष्ट सी कच्चे केले की सब्जी जो कि मसालेदार बनी है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगती है सब्जी एक बार ट्राई जरूर करें मेरी रेसिपी को लाइक जरूर करें फ्रेंड्स